आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 की चित्रकला पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसके अंतर्गत सब्जेक्ट है आपका उपविषय ज्यामिति, यानी जिसे हम ज्योमेट्री कहते हैं। पिछली बार देखा होगा आप लोगों ने, ज्योमेट्री का भाग 8 हो चुका था पूरा, जिसमें निर्मीय नंबर 32 होता है। अब देखिए यहाँ पर होता है भाग 9 शुरू, यानी कि निर्मीय नंबर 33। निर्मीय नंबर 33 में देखिए एक वर्ग है जिसकी भुजा की माप है 6 सेंटीमीटर। इसे 6 सेंटीमीटर वर्ग के अंतर्गत एक अष्टभुज की रचना करनी है। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमने 6 सेंटीमीटर की ए बी रेखा खींची, ये हो गई हमारी 6 सेंटीमीटर की ए बी रेखा। ए बी रेखा के ए बिंदु पर लंब डाला और ए बी की दूरी लेकर के हमने ए बिंदु से यहाँ पे कट लगा दिया, यहाँ पर डाल दिया बी बिंदु, बी बिंदु से सामने चाप लगाया, बी बिंदु से उसे काट दिया, यहाँ पर डाल दिया सी, सी को बी से मिलाया और सी को बी से मिलाया। ये जो हमारा वर्ग बना है इसकी माप हो जाएगी, भुजा की माप हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। अब देखिए मुझे इस 6 सेंटीमीटर वर्ग के अंतर्गत अष्टभुज की रचना करनी है, बहुत ही सरल है। क्या करेंगे, सबसे पहले हम सी को ई से मिला देंगे, विकर्ण रेखा, और डी को बी से मिला देंगे। इसके बाद में ई को केंद्र मान करके नीचे चाप लगाएंगे, बी से उसे काट देंगे, इस कट को और केंद्र ओ को मिलाते हुए रेखा खींच लेना। इसी तरह बी से हमने चाप लगाया और सी से उसे काट दिया और इस कट को और इसके केंद्र ओ को मिलाते हुए रेखा खींची। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर डाल लो पी बिंदु, ओ को और पी को केंद्र मान करके हम फुल वृत्त बना देंगे इस तरह से। जब हम फुल वृत्त बनाएंगे तो ये हमारा वृत्त 8 भुजाओं को काटते हुए जाएगा, कैसे, जैसे ये हो गया पी, यहाँ पर डाल लो क्यू, यहाँ पर आर, यहाँ पर एस, यहाँ पर टी, यहाँ पर यू, यहाँ पर वी, यहाँ पर डब्लू। देखिए क्या करेंगे, पी को क्यू से मिलाया, पी को डब्लू से मिलाया, डब्लू को एक्स से मिलाया, एक्स को यू से मिलाया, टी को यू से मिलाया, एस को टी से मिलाया, आर को एस से मिलाया और क्यू को आर से मिलाया। इस तरह से बच्चों ये 6 सेंटीमीटर वर्ग के अंतर्गत हमारे अष्टभुज के अष्टभुज बन करके तैयार हो जाता है। चलिए देखिए निर्मीय नंबर 34, निर्मीय नंबर 34 में एक वर्ग है, उस वर्ग के अंतर्गत वर्ग की ही रचना करनी है। कैसे वर्ग की रचना करनी है, जिसके विकर्ण की माप दी गई है 3 सेंटीमीटर। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमने एक रेखा खींची, माना कि ये हमारी रेखा हो गई 2.5 सेंटीमीटर की ए बी रेखा। इस ए बी रेखा के ए बिंदु पर लंब डालने के बाद में हम 2.5 सेंटीमीटर की दूरी लेकर के ए बिंदु से चाप लगाएंगे, डी बिंदु, डी से चाप लगाया सामने और बी से उसे काटा, सी, सी को बी से मिलाया और सी को डी से मिलाया, तो ये हमारा वर्ग बन गया 2.5 सेंटीमीटर का। अब हमें इस वर्ग के अंतर्गत ऐसे वर्ग की रचना करनी है जिसकी विकर्ण की माप दी गई है 3 सेंटीमीटर। देखिए हम क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर की दूरी लेकर के सबसे पहले इसके विकर्णों को मिलाओ, इसके विकर्ण एक दूसरे को काटेंगे ओ बिंदु पर और ओ को केंद्र मान करके 3 सेंटीमीटर की दूरी लेकर के हम फुल वृत्त बनाएंगे, जो संभवतः इस तरह से जाएगा। इस वर्ग के चारों कोनों को काटते हुए जाएगा, यहाँ पर एक कोना काटेगा, यहाँ पर एक, यहाँ पर, तो चार कोने काटे तो 4 × 2 = 8 जगह हो गया, लेकिन हमें वर्ग में केवल 4 ही कोने होते हैं, तो हम यहाँ पर डाल देंगे के बिंदु, के बिंदु के बाद में जी कट छोड़ देंगे, यहाँ पर डाल देंगे एल बिंदु, ए कट छोड़ देंगे, यहाँ पर डाल देंगे एम बिंदु और ए कट छोड़ देंगे, यहाँ पर डाल देंगे एम बिंदु। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर के को कैसे मिलाया, एल से, एल को कैसे मिलाया, एम से, एम को कैसे मिलाया, एन से और एन को कैसे मिलाया, के से। इस तरह से बच्चों ये जो हमारा वर्ग बना, ये वर्ग 2.5 सेंटीमीटर रेखा के वर्ग के अंतर्गत बन जाएगा और जिसका विकर्ण हो जाएगा कितना, 3 सेंटीमीटर। चलिए देखिए निर्मीय नंबर 35, निर्मीय नंबर 35 निर्मीय नंबर 34 की ही तरह है,
इसमें 5 सेंटीमीटर रेखा का वर्ग है। उस वर्ग के अंतर्गत ऐसे वर्ग की रचना करनी है जिसकी भुजा की माप दी गई है 3.2 सेंटीमीटर। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम 5 सेंटीमीटर की ए बी रेखा खींचेंगे। ये हुई हमारी 5 सेंटीमीटर की ए बी रेखा। ए बी रेखा के ए बिंदु पर लंब डाला और ए बी की दूरी भर के ए बिंदु से यहाँ पर चाप लगाया, डी बिंदु, डी से सामने चाप लगाया, बी से उसे काटा, सी बिंदु। ए बन गया हमारा ऐसा वर्ग जिसकी भुजा की माप हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। अब देखिए इस वर्ग के अंतर्गत हमें ऐसे वर्ग की रचना करनी जिसकी भुजा की माप दी गई है 3.5 सेंटीमीटर। देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3.5 सेंटीमीटर की दूरी लेकर के ए बिंदु से इसे लंब का कट लगा लेंगे। ए हो जाएगा हमारा 3.5 सेंटीमीटर। इसके बाद में इसके विकर्णों को मिलाया, इसके विकर्ण एक दूसरे को काटेंगे ओ बिंदु पर। अब देखिए यहाँ पर जो कट लगा वहाँ पर डाला हमने के बिंदु। अब के बिंदु से ये जो विकर्ण रेखा है, इस विकर्ण रेखा के समानांतर रेखा खींची, ये रेखा हमारी यहाँ पर आकर के मिलेगी, यहाँ पर डाल देना एल बिंदु, यहाँ पर डाल दो पी बिंदु। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम डी और पी की, डी और ओ की दूरी लेंगे और इसकी दूरी लेने के बाद में यहाँ पर पी की और के की दूरी लेंगे और इस दूरी को लेने के बाद में हम ओ को केंद्र मान करके जब हम कट लगाएंगे तो इस तरह से लगेगा। इसमें भी जब ये वृत्त बनेगा तो इस वर्ग के 4 कोणों को काटते हुए जाएगा। अब जैसे कि पिछले ही बार में तुमने देखा तो यहाँ पर डाल दिया के, ये यहाँ पर एल ना डाल के यहाँ पर डालो एल, यहाँ पर डाल दो एम और यहाँ पर डाल दो एम। देखिए के को हमने कैसे मिलाया, एल से। एल को कैसे मिलाया, एम से। एम को कैसे मिलाया, एन से। और एन को मिलाया के से। तो बच्चों ये जो हमारा वर्ग बनेगा, ये ऐसा वर्ग बनेगा इसकी भुजा की माप हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर और ये दिए हुए 5 सेंटीमीटर वर्ग के अंतर्गत होगा। निर्मित नंबर 36 में देख लीजिए, बहुत ही सरल है। इसमें एक वर्ग है जिसकी भुजा की माप दी गई है 4.5 सेंटीमीटर। इस वर्ग के अंतर्गत ऐसे वर्ग की रचना करनी है जिसका एक कोण उस वर्ग की दी हुई भुजा पर पड़े। देखिए कैसे समझ में नहीं आ रहा होगा, तो सबसे पहले हमने 4.5 सेंटीमीटर की रेखा खींची और 4.5 सेंटीमीटर की ए बी रेखा के ए बिंदु पर सबसे पहले लंब डाला। इस लंब पर ए बी रेखा की दूरी लेकर के हमने यहाँ चाप लगाया, डी बिंदु, डी से सामने चाप लगाया, बी से उसे काटा, सी, सी को बी से मिलाया और सी को डी से मिलाया। ए हमारा बन गया वर्ग जिसकी भुजा की माप होगी 4.5 सेंटीमीटर। अब देखिए क्या करेंगे, हम इसमें सबसे पहले इसकी विकर्णों को मिलाएंगे। इसकी विकर्ण रेखा एक दूसरे को काटेगी ओ बिंदु पर। अब देखिए क्या करना है, इसमें ये कहना है कि ऐसे वर्ग की रचना कीजिए जिसका एक कोण ए बी रेखा पर कहीं पर भी मिले। तो माना कि हमने यहाँ पर डाल लिया के बिंदु, तो जो हमारा वर्ग बने उसका एक कोण कहाँ पर मिल जाए, के बिंदु पर। देखिए क्या करेंगे, के को ओ से मिलाते हुए हम रेखा खींचेंगे, जहाँ ये रेखा ऊपर जाकर के काट है वहाँ पर डाल देना एम बिंदु। इसके बाद में के और एम का अर्धक कर लेना इस तरह से। इसकी अर्धक रेखा जहाँ काट है यहाँ पर डाल दो एल बिंदु और यहाँ पर डाल दो एल बिंदु। बस एल को के से मिला दो, एल को एम से मिला दो, एम को एन से मिला दो और एम को के से मिला दो। तो बच्चों ये जो तुम देख रहे हो वर्ग, इसका एक कोण के बिंदु पर आ गया और ये वर्ग हमारा दिए हुए ऐसे वर्ग के अंतर्गत है जिसकी भुजा की माप है 4.5 सेंटीमीटर। आज के लिए इतना, ये सभी निर्मित बना करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर एक बार चेक जरूर करा लें। बोलिए।